सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद हमें जगतचंद्र दास सहकारी शिक्षक मुस्लिम माध्यमिक विद्यालय हमें आज नवम श्रेणी व्यवसाय उद्योग बोले चतुर्थ अध्याय के आज जौथ बंदनी कारबार नहीं आलोचना करब। हम देखे व्यवसा जगते प्रथम एक पालिकाना कारबारे सृष्टि से एक पालिकाना कारबारे सृष्टिर पर से कारबारे आर्थिक आर्थिक समस्या परिचालना समस्या विभिन्नतार कारण आस्ते आस्ते अंशीदारी कारबारे सृष्टि से अंशीदारी कारबार विभिन्न समस्यार कारण मूलधन स्वल्पता एवं विभिन्न समस्यार कारण एरपे जौथ मूलधनी व्यवसाय उद्योग ना हो जौथ मूलधनी व्यवसाटा भारत महादेश प्रथम आसे 1850 साले ब्रिटिश सरकार एक जौथ मूलधनी व्यवसाय आईन प्रणयन करें। एरपर आर 1904 साले तरह किसु धारा परिवर्तन करें एवं सर्वशेष बांग्लादेश स्वाधीन हार पर 1994 साले जौथ मूलधनी कारबारे नतून आईन प्रणयन है। तो एखन देखी जौथ मूलधनी कारबार जौथ मूलधनी व्यवसा काके बोले जौथ मूलधनी संगठन हलो एम एक संगठन जे संगठन आईन द्वारा सृष्टि है आईन द्वारा सृष्टि पृथक अस्तित्व सम्पन्न कृत्रिम व्यक्ति सत्तार अधिकारी एवं सीमित दायर ऊपर एम एक धरणे प्रतिष्ठान जेखने कतिपय व्यक्ति मुनाफा अर्जन उद्देश्य जौथभव मूलधन बनियोग कर संगठन हल एम एक संगठन जे संगठन आईन द्वारा सृष्टि है पृथक अस्तित्व सम्पन्न है कृत्रिम व्यक्ति सत्तार अधिकारी है एवं सीमित दाये एम एक धरण प्रतिष्ठान जेखने कतिपय व्यक्ति मुनाफा अर्जन उद्देश्य जौथभव मूलधन बनियोग कर कम्पनी के जतियों व्यवसा बोला जौथ मूलधनी संगठन। तो हमें जौथ मूलधनी संगठन कैकटा वैशिष्ट्य देखी जौथ मूलधनी व्यवसाय वैशिष्ट्य देखी वैशिष्ट्य देखी जौथ मूलधनी व्यवसाय प्रथम एवं प्रधान वैशिष्ट्य व्यवसाय सदस्य संख्या संगठन सदस्य संख्या दुई रकम यकम जौथ मूलधनी संगठन से दुई प्रकार एक पब्लिक लिमिटेड कम्पानी और एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पानी। तो प्राइवेट लिमिटेड कम्पानी सदस्य संख्या सर्वनिम्न 2 जन एवं सर्वोच्च सदस्य संख्या 50 जन पक्षान्तरे पब्लिक लिमिटेड कम्पानी क्षेत्र सर्वनिम्न सदस्य संख्या 7 जन एवं सर्वोच्च सदस्य संख्या शेयर संख्या द्वारा सेवन एक सदस्य संख्या। तारपर आमरा आसि सदस्य पद लाभ द्वितीय वैशिष्ट्य थेके सदस्य पद लाभ एई जौथ मूलधनी संगठने सदस्य पद किभाबे लाभ करबे सदस्य पद लाभ करबे शेयर क्रयेर माध्यमे सदस्य पद लाभ करबे एवं একজন সদস্য শেয়ার হস্তান্তর করে আরেকজনের কাছে সদস্য আরেক সদস্যের কাছে বা আরেকজনের কাছে আরেক ব্যক্তির কাছে স্বয়ং সেই শেয়ার হস্তান্তর করে সে আবার এই সংগ্রহ থেকে বিদায় নিতে পারে। তারপরে আমরা দেখলাম সদস্য পদ লাভ করবে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এবং কোন সদস্য যদি চলে যেতে চায় সে আরেকজনের কাছে স্বয়ং আরেক ব্যক্তির কাছে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে সে বিদায় হতে পারে এই একটা বৈশিষ্ট্য। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কৃত্রিম व्यक्ति सत्तार अधिकारी कम्पानी जेहतु निजे नाम चले निजे नाम कम्पानी जौथ मूलधनी कारबार तर निजे नाम चले तर निजे एक कृत्रिम सत्तार अधिकारी तई से कोनो अन्य कोनो प्रतिष्ठान अन्य कोनो व्यक्तिर काछे से प्रयोजन से चुक्ति करते पारे आबार जदि प्रयोजन हय से कारो बिरुद्धे मामला करते पारे एटा से तर निजे व्यक्तित्व निजे नामे जेटा परिचालित है। तरह से विलोप साधन विलोप साधन से कि जदि कोनो व्यक्ति
মৃত্যু হয়, কেউ যদি দেউলিয়া হয়ে যায় বা শেয়ার হস্তান্তর করলেও এই প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয় না। এই হচ্ছে আরেকটা বৈশিষ্ট্য। আর একটা আছে নিজস্ব সিল, এর একটা নিজস্ব সিল মত থাকে এই কোম্পানির। আর শেয়ার করার যোগ্যতা কি 18 বছর ধরে পরে সে শেয়ার করা করতে পারবে। এরকম আর আছে কি কোম্পানির পরিচালনা, কোম্পানিকে পরিচালনা করবে, এটা হচ্ছে গিয়ে কোম্পানির যারা শেয়ার করছে তারা না, বাইরের লোকের কর্মচারীরা তারা পরিচালনা করবে। আর আরেকটা সর্বশেষ একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গিয়ে পরিচালনা পরিষদ, এই কোম্পানির শেয়ার মালিকরা তারা ভোট দিয়ে, প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে তারা এই পরিচালনা পরিষদ গঠন করে। তো আমরা এই দেখলাম গৌতমদিনটা বলে কাকে বলে এবং তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। তবে এগুলো মানুষ দেখবে, সবাই ভালো থাকো, সুন্দর থাকো, ধন্যবাদ সবাইকে।